तो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक साल्ट्रेक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एंड्रॉयड ऑटो को होता है उसको पीसी में कैसे यूज़ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा, मेरे को पता है। अब कौन पीसी में एंड्रॉयड ऑटो का यूज़ करेगा, वो तो एक कार का सिस्टम है। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको देखना है कि आखिर एंड्रॉयड ऑटो दिखता कैसा है, एंड्रॉयड ऑटो का फीचर्स क्या क्या है, अंदर से कैसा दिखता है। फिर अगर वो लोग चाहे तो एंड्रॉयड ऑटो वाला जो म्यूज़िक सिस्टम है अपने कार में लगा सकते हैं और फिर एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हैं। अब जिनके पास आईफोन नहीं है ना, तो आईफोन वालों लोग के लिए तो जो एप्पल कार प्ले होता है वो होता है। बट जिनका एंड्रॉयड फ़ोन है उन लोगों के लिए होता है एंड्रॉयड ऑटो। तो देख लो इस ट्रिक को देख करके आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे यूज़ करते हैं एंड्रॉयड ऑटो को पीसी में। फिर अगर आप लोगों को अपना कार में कोई एंड्रॉयड ऑटो वाला म्यूज़िक सिस्टम लगाना है तो फिर आप लगा सकते हो, अगर आप लोगों को एंड्रॉयड ऑटो अच्छा लगे तो। तो कैसे यूज़ करते हैं पीसी में, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करेंगे। तो भाई लोग, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू विजिट किए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। मेरे चैनल में पीसी रिलेटेड और लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट ज़्यादातर आता रहता है। तो प्लीज़ अगर न्यू विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना पसंद आया तो। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आया हो, कोई चीज़ डाउट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूँगा और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। और फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पर। तो भले चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पीसी में यूज़ करना है तो सबसे पहले आप लोग अपना ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। और ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर ही आप लोगों को टाइप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो करके। यहाँ पर ही आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके बस टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर दिए और यहाँ पर इंटर पर क्लिक कर दिए। तो आप लोगों का ये सब यहाँ पर ये पहला वाला आएगा, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये वाला एंड्रॉयड स्टूडियो करके। जैसा कि आप लोग ये पहला वाला देख सकते हो, ये वाला जैसा कि देख सकते हो आप लोग, ये डाउनलोड का बटन में क्लिक कर दीजिएगा और ये सारा आप लोग लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करके ये वाला में क्लिक कर दीजिएगा, तो जो आपका डाउनलोड है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये वाला को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब उसको डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला फाइल का लिंक दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला फाइल का। तो आप लोग क्या करना, बस इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। अभी आप लोगों को इसका ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे पहले आप लोग जो एंड्रॉयड ऑटो है उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो। इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं और ये एंड्रॉयड ऑटो को सबसे पहले अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब जो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है। तो बोलो जैसे हो जाएगा आप लोग यहाँ पर येस में कर दीजिएगा और इसका फिर आप लोगों का जो इंस्टॉलर है वो ओपन हो करके आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो ये वाला। आप लोग यहाँ पर ये नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर दीजिएगा और ये वाला पे क्लिक रहने दीजिएगा, नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा पीसी में। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, हो सके थोड़ा टाइम भी ले सकता है ये इंस्टॉल होने में। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये हमारा हो चुका है, हम लोग यहाँ पर ही नेक्स्ट में कर देंगे और ये आप लोग स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो में बस क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर ही फिनिश में कर दीजिएगा। कि अगर वहाँ से अगर आप लोग स्टार्ट नहीं करना चाहोगे तो आप लोग यहाँ से भी आकर के एंड्रॉयड ऑटो, मतलब जो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, बार बार मेरे से एंड्रॉयड ऑटो निकल जा रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को आप लोग यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। तो हम लोग इसको ऑन होने देते हैं। अब यहाँ पर ही आप लोगों को फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वापस से आप लोगों का जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इंस्टॉल लेगा। यहाँ पर भी आप लोग कुछ कुछ चीज़ बोलेगा तो आप लोग वहाँ यहाँ पर भी डाल देना वो चीज़। तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप का खुल के आएगा। यहाँ पर आप लोग डोंट सेंड में क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला इस टाइप का आप लोगों का देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आप लोग चल जाइएगा, जैसे कि देख सकते हो कस्टमाइज में, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ऑल सेटिंग्स। तो हम लोग इसमें क्लिक कर देते हैं ऑल सेटिंग्स में। तो ऑल सेटिंग्स में हम लोग जैसे ही यहाँ पर ही चल जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स, जैसे कि देख सकते हो। यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और ये वाला जो छोटा सा एक एरो होता होगा, ये एरो में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर ही आप लोगों को मिलता होगा एंड्रॉयड SDK। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो एंड्रॉयड SDK, आप लोगों को ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग चल जाइएगा ये एंड्रॉयड SDK में और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा SDK प्लेटफॉर्म, SDK टूल्स और SDK अप टू डेट साइट। तो आप लोग यहाँ पर SDK टूल्स में चल जाइएगा। अब
यहाँ पर ही आप लोग कुछ कुछ चीज़ इंस्टॉल करना है। मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो इसीलिए मेरे को वो नहीं दिखा रहा। देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला वाला चीज़ हो सके ये 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 देखिए ये तीनों में और आप लोगों का इसमें टिक नहीं होगा, तो आप लोगों को देख लो ये पहला वाला में सबसे पहले टिक करना है, ये पहला वाला में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को ये जो दिख रहा है आप लोगों को इसमें टिक करना है, एंड्रॉयड ऑटो API सिम्युलेटर, जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो। मेरे को पता है भाई लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो पसंद आ रहा हो तो क्या कर रहे हो भाई लोग, लाइक कर लो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। हमारे चैनल में इसी टाइप के PC रिलेटेड और लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट दम भर के आता रहता है और एकदम हट के यूनिक कंटेंट आप लोग को मेरे चैनल में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम केस में आप लोगों को ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। तो सारे यूनिक कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद है, यूनिक कंटेंट चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लेना। और हाँ, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में जाकर के मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, आईडी आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को मिलता होगा एंड्रॉयड ऑटो डेस्कटॉप हेड यूनिट इम्यूलेटर, ये और ये दोनों को आप लोगों को अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिलता होगा एंड्रॉयड इम्यूलेटर, इसको भी इंस्टॉल कर, इसको भी मतलब तीनों में टिक कर देना है, ऊपर वाला में भी टिक कर देना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है और आप लोगों को यहाँ मिलेगा गूगल USB ड्राइवर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें टिक कर देना है। मैंने पहले ही ये सब इंस्टॉल किया हुआ क्योंकि मैंने एक बार और ट्राई करके देख चुका था और उस समय मेरे को इंस्टॉल करने बोला था, मैंने उस समय इंस्टॉल कर लिया था। तो आप लोग जा करके इंस्टॉल कर लेना इसको 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 और इसको, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद आप लोग ये अप्लाई में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ ओके में क्लिक कर दीजिएगा, फिर जो आप लोगों का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का PC में वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा। बस इसका दोस्तों अब यहीं तक काम था। अब ये सब दोस्तों हो जाने के बाद आप लोगों को ये वाला मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो, जो मैं आप लोगों को फाइल दिया था, हो सके मैं कुछ और नाम से सेव वहाँ किया हूँ तो आप लोग देख लेना। यहाँ आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिएगा और एक्सट्रैक्ट में क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का एक फोल्डर आ जाएगा, ये वाला फोल्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो, ये वाला और ये वाला फाइल मिलेगा। अब आप लोगों को तो सबसे पहले आ जाना है अपना मोबाइल स्क्रीन में, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन में आप लोग कुछ कुछ इनेबल करना पड़ेगा, तभी जा करके ये वाला चीज़ आप लोगों का PC में काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना सबसे पहले तो ये हम लोग अपना एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, अपना सेटिंग्स को ओपन कर लीजिएगा और सेटिंग्स को ओपन कर लेने के बाद आप लोग एकदम नीचे चल जाइएगा, अबाउट फ़ोन आप लोगों को देखने को मिलता होगा। अबाउट फ़ोन में आप लोगों को मिलेगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आप लोगों को मिलता होगा बिल्ड नंबर, तो बिल्ड नंबर को आप लोग 7 बार प्रेस कर लीजिएगा। मेरा डेवलपर मोड ऑलरेडी मैंने इसको 7 बार प्रेस करके ले आया है, तो आप लोग इसको बिल्ड नंबर को 7 बार प्रेस कर दीजिएगा, तो फिर आप लोगों का जो डेवलपर ऑप्शन है वो एकदम यहाँ पर ही नीचे में आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो ये वाला आ जाएगा आप लोगों का। अब यहाँ पर आप लोगों को मिलता होगा USB डेबुंग करके, जैसे कि देख सकते हो ये वाला USB डेबुंगिंग करके आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो USB डेबुंगिंग है ना, आप लोगों को बस इसको ऑन कर देना है और इसको आप लोगों को ओके में क्लिक कर दीजिएगा। बस अब आप लोगों का जो मोबाइल का काम है लगभग हो ही गया है। बस अब आप लोग क्या करिएगा, अपना जो मोबाइल को है वो केबल से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो मोबाइल को हम लोगों ने कर लिया है कनेक्ट। यहाँ पर आप लोगों को मिलता होगा ये वाला सेटअप मिनिमल ADB फास्ट बूट, आप लोग इसको बस इंस्टॉल कर लीजिएगा ओपन करके नॉर्मल जैसे इंस्टॉलेशन होता है वैसे, बस आप लोग इसको अपने PC में इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा तो वैसे पहले ही इंस्टॉल था। क्रिएट डेस्कटॉप आइटम करना है तो कर सकते हो, यहाँ हम लोग नेक्स्ट में कर लेते हैं, इंस्टॉल में कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, यहाँ से फिनिश में कर देते हैं और यहाँ पर ही हम लोग को मिल जाएगा M से, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये वाला रहेगा मिनिमल ADB, तो इसको ओपन होने देते हैं। ये वाला आप लोगों का इस टैप का यहाँ पर ही ओपन हो करके आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मोबाइल से जो USB डेबुंग का ऑप्शन है, यानी कि USB डेबुंगी का जो ऑप्शन है मैंने आप लोगों को जो दिखाया था डेवलपर ऑप्शन में जाके, उसको इनेबल कर लिए होंगे। आप लोग क्या करना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक और चीज़ दिया है जो कि ये टाइप करने का, मैंने एक मतलब टेक्स्ट दिया है। आप लोग क्या करना, ये पहला वाला जैसे कि देख सकते ADB डिवाइसेस करके होगा, इसमें राइट क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ कॉपी में कर दीजिएगा, ये पहला वाला में जाके राइट क्लिक मार दीजिएगा और ये आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी
अटैच वाला जो डिवाइस होगा वो यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। एक और बात, आप लोगों का मोबाइल में एक नोटिफिकेशन गया होगा अलाउ यूएसबी डेबगिंग करके, तो आप लोग क्या करेगा, ये अलाउ के बटन में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का जो यूएसबी डेबगिंग वाला जो है वो अलाउ हो जाएगा। जैसे आप लोग अलाउ कर दोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो डिवाइस है वो आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, आप लोगों का जो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक और चीज़ होगा वो है ये बट, ये वाला टाइप करने से पहले आप लोगों को तो सबसे पहले अपना मोबाइल में आ जाना है, और मोबाइल में आ जाने के बाद यहाँ पर ही कनेक्टेड डिवाइसेस में चल जाइएगा, और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ये वर्ज़न में आप लोग 7 से 8 बार प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ही मैंने 7 से 8 बार यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर मिलेगा 3 लाइन, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो का सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा स्टार्ट हेड यूनिट, जैसे कि देख सकते हो ये वाला, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग इसमें क्लिक कर दिए। अब आप लोग क्या करिएगा, ये वाला टाइप दिस में चल जाइएगा, और ये वाला जो फाइल होगा इसको आप लोग कॉपी कर दीजिएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब यहाँ से मैं अगले दिन शूट कर रहा था, तो इसलिए आपको थोड़ा फोटो वगैरह वॉलपेपर वगैरह थोड़ा अलग लगता होगा, तो मैंने वापस से वो सब टाइप कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख लो, अब वैसे ही आप लोग सेम प्रोसेस करना, और जो सेकेंड वाला जो कमांड था आप लोगों को, आप वो सेकेंड वाला कमांड को भी टाइप कर लेना है। तो जो वो सेकेंड वाला कमांड है तो उसको भी हम लोग चलिए टाइप कर लेते हैं, मतलब ये वाला कमांड थोड़ा सा बड़ा है। तो वो सब कमांड को टाइप कर देने के बाद अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ही हम ADB मैंने लिखना भूल गया था। अब आप लोगों क्या करना है, यहाँ पर ही बस आप लोगों को इंटर को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर ही इंटर प्रेस कर दोगे, बस आप लोगों का पूरा जो भी इसे रिलेटेड जो भी काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब आप लोगों को अब एक जगह में चल जाना है, PC में एक फोल्डर के अंदर चल जाना है। अब वो फोल्डर का मैं आप लोग जगह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप हेड यूनिट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख लो, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, और जैसे आप लोग ये डेस्कटॉप हेड यूनिट को ओपन कर लोगे तो अब आप लोगों का PC में जो एंड्रॉयड ऑटो था वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं, तो ये ओके में आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे, अब आप लोगों का जो ये एंड्रॉयड ऑटो है या आप लोगों का PC में रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ था नहीं अभी इस वीडियो में, मैं आप लोगों का पूरा जो भी मेथड था एंड्रॉयड ऑटो को रन करने से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो, यहाँ एक नीचे कस्टमाइज़ का भी दिया हुआ है, तो आप लोग उससे कुछ ऐप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो आप लोग अब ये सब चीज़ आप लोग खुद जाकर के एक्सप्लोर करो, आप लोग खुद जाकर के देखो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग ये एंड्रॉयड ऑटो वाला सिस्टम को अपना कार में लगा सकते हो, जो कि ठीक ठाक मेरे को तो सही लगा। YouTube वगैरह का भी सपोर्ट दिया हुआ है वैसे तो, बट यहाँ तो अभी नहीं दिखा रहा, कस्टमाइज से जा करके आप लोगों को YouTube का उसको ऐड करना पड़ेगा बटन को, तो वो सब आप लोग देख लेना जा करके। तो यही था दोस्तों, मैंने आप लोगों का पूरा एंड्रॉयड ऑटो को रन करने से रिलेटेड इस वीडियो में बता दिया। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फिर ऐसी एक नई वीडियो को लेकर, इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में जाकर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। ID आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बाय बाय।